हेलो गाइस एंड वेलकम। तो यार आज के इस वीडियो काफी ऑसम होने वाला है। उसके पहले तो यार मेरा नाम है अल्बिन, आप देख रहे हैं अल्बिन 005। तो यार आज के इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं तीन टाउन हॉल के अटैक स्ट्रेटजी, वो भी एक ही वीडियो में। हमारा थीम है जैप अटैक। तो यार आज का थीम है जैप अटैक। तो यार आज के इस वीडियो में तीनों टाउन हॉल के अटैक स्ट्रेटजी बताऊंगा एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी करूंगा। और गाइस ये अटैक स्ट्रेटजी काफ़ी ऑसम है एंड भाई मैं यूज़ कर रहा था यार, आसानी से 3 मिल जा रही है। तो तुम लोग भी क्या करो, ईयरफोन डाल के बैठो और जो जो टाउन हॉल के अटैक स्ट्रेटजी के प्लेयर हो तुम लोग को टाइम लैप भी मिल जाएगा। आप लोग आसानी से उससे दबाकर आप लोग देख भी सकते हो, या तो आप लोग फुल वीडियो एंड तक देखेंगे तो अच्छी बात है क्योंकि आपको हर अटैक स्ट्रेटजी पता चल जाएगा एंड हर अटैक स्ट्रेटजी अलग अलग है। ओके, हम लोग छोटे से शुरू करते हैं तो वो है TH9। तो चलते हैं भाई हमारे TH9 की वॉर अटैक की ओर। सो गाइज ये हमारा सिद्धार्थ भाई ने किया, इसलिए क्रेडिट उन्हें ही जाता है सबसे पहले। तो गाइज इस अटैक में बेसिकली आपको जैप करना होता है एंड ये जैप का पोर्शन होता है कि एक हेयर डिफेंस को डाउन करने एंड ये अटैक स्ट्रेटजी क्या है, क्वीन चार्ज लावा लूनियन अटैक स्ट्रेटजी। एंड इस अटैक स्ट्रेटजी को परफॉर्म करने आपको बेसिकली 20+ क्वीन चाहिए होता है क्योंकि क्वीन वॉक करना पड़ता है। क्वीन वॉक से ट्राई करना कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिफेंस मिल जाए। हेयर डिफेंस नहीं मिले तो भी ठीक है क्योंकि हेयर डिफेंस की यूज़ नहीं होने वाली है क्योंकि आपका लावा लूनियन अटैक स्ट्रेटजी कर लेगा वो। ओके, वो लावा लूनियन पार्ट कर लेगा। तो यार आप लोग रिप्ले देख लो एंड बंदे ने किधर लाइटनिंग स्पेल यूज़ किया वो भी देख लेना। क्या करेंगे बंदे, यहाँ से अटैक शुरू करेंगे क्योंकि ये मिलेगा एनिमी क्वीन, पक्का है, मस्ट है ये अटैक स्ट्रेटजी में। एनिमी क्वीन CC भी मिल जाएगा एंड देन ये चीज़ को उन लोग जैप कर देंगे, मतलब इलेक्ट्रिक स्पेल से फोड़ देंगे एंड दैट बिकॉज आपको पता है उधर एक स्वीपर में मिल रहा है और वो डिस्टर्ब करेगा लास्ट में बाकी रहेगा, तो इसलिए वो उस कंपार्टमेंट को फोड़ दो लाइटनिंग स्पेल से एंड रेस्ट ऑफ द आर्मी को घुसा डालो ये हेयर डिफेंस के सामने से। एंड भाई साहब ये अटैक 3 हो जाता है, लिख के रख दो भाई। तो आप लोग रिप्ले देख सकते हो कहाँ से क्वीन वॉक शुरू हुआ है कहाँ से नहीं एंड भाई तुम लोग आसानी से खेल सकते हो या 3 कर सकते हो, तो देख लो भाई साहब। तो गाइज ये 3 आप लोग ने देख लिया रहेगा कैसे किया बंदे ने एंड क्वीन वॉक पार्ट भी बहुत अच्छे से किया, क्वीन लास्ट तक जिंदा भी थी। तो यार चलते हैं हमारी TH10 अटैक स्ट्रेटजी और सो गाइज ये हमारा TH10 का बेस है एंड इस पर आप लोग देख सकते हो एक एडवांटेज था कि हमें इससे 6 लाइटनिंग स्पेल की यूज नहीं थी, बस 3 लाइटनिंग स्पेल से और अर्थक्वेक स्पेल के साथ ये कंपार्टमेंट फूट जाता, मतलब ये 2 हेयर डिफेंस फूट जाते हैं।
एंड और एक इलेक्ट्रिक स्पेल से, मतलब और तीन से आपको ये कंपार्टमेंट का तोड़ना था। तो यार इस अटैचमेंट में मैंने यही कंपार्टमेंट क्यों चुना आपको पता रहेगा, आप लोग ने नजर नहीं दिया तो बता दूं वो है, मतलब ये कंपार्टमेंट छोड़ा रहेगा, मुझे नहीं पता यार, याद ही नहीं है। तो यार आप लोग ये देख के करना अटैक कि ये साइड में, अभी मैं स्टोन स्लैमर को नहीं डालूंगा क्योंकि ये साइड में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ट्रूप्स यहाँ से ऐसे जाएंगे ना, इधर से हम लोग हमारे किंग को लेके जाएंगे, तो भाई किंग को वो साइड लेके आना ही नहीं है, मीन्स ये साइड डालना ही नहीं है, एंड दैट बिकॉज ये चीज़ ये सब टारगेट हो जाएगी। पर यहाँ है क्या है कि आर्चर टावर है, इसलिए वो अच्छा फनल भी कर लेगा बंदा, तो वो भी जाता है। तो यार तुम लोग रिप्ले देख सकते हो कैसे ये ट्री किया, तो यार मैं चुप बैठ जाता, तुम लोग देखो भाई साहब। तो शुरू करते हैं रिप्ले। हाँ और गाइस ये बेबी ड्रैगन फनल के लिए था, एंड आप लोग कौन सी भी साइड से कर सकते हो, पर मेरा पास क्वीन नहीं थी तो मुझे यहाँ डाल के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला था, किंग बाहर का ही बस लेगा। यहाँ है तो क्या है भाई, ये अंदर भी जाने का रास्ता है, यहाँ रहेगा तो ये बॉम्ब टावर के कारण डैमेज मिल सकता है डबल, इसलिए मैंने बेबी ड्रैगन को डाल दिया कि किंग अंदर ही जाए, अंदर से ये ऐसा ले ले। एंड आप लोग देख सकते हो सारे के सारे ड्रैगन्स को डिप्लॉय कर दिए, एंड फनल के कारण सारे के सारे अंदर जाएंगे। तो भाई साहब तुम लोग देख सकते हो बहुत आसानी से कि ड्रैगन्स कैसे अंदर जाएंगे, सीसी का लूर होगा तब आपको रेज, एंड अगर फ्रीज मतलब खतरनाक सीसी है तो पॉइजन प्लस फ्रीज यूज करो, जैसे सुपर मिनियन निकल रहे तो, नहीं तो भाई एक रेज ही ठीक है, सफिशियंट है त्रियोने। एंड साइड से आपको ये डाल देना है, क्या बोलते हैं हमारे स्टोन स्लैमर, तो अभी देख रहे हो ईडी था, ईडी डाउन भी हो गया, एंड हमें हमारे लूंस को बाकी रखना था इसलिए फ्रीज डाल दी, क्योंकि वो विजार्ड टावर लिटरली अनॉइंग है यार वो हमारे लूंस के लिए। तो आप लोग देख सकते हो इधर ना ये साइड में दो हमारे ड्रैगन्स हैं, और कोर में तीन ड्रैगन्स नहीं या तीन ड्रैगन्स हैं, अभी दो हो गए, एंड इधर ये कॉर्नर में भी है दो ड्रैगन्स। तो यार अच्छे से अटैक हो जाती है, आप लोग अच्छे से फनल करते हो, अच्छी प्लानिंग करते हो ना भाई साहब, ए बी प्लानिंग करते हो ना भाई, तीन हो जाता है। एंड तुम लोग ये भी कमेंट करके बताओ बिल्डर हॉल की अटैक चाहिए कि नहीं, क्योंकि भाई सब रेडी है, बस एडिट करना है एंड वॉइस ओवर डालना है। तो यार भाई कत्ता ही ओपी है यार, सच्ची में बताओ ना, ये अटैक चाहिए सारे के सारे आप लोग प्रैक्टिस करके रख देंगे ना यार, आसानी से कोई भी टूर्नामेंट कुछ भी हो यार आसानी से थ्री कर लेंगे अगर आप लोग खेलने चाहते हो। और हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम भी ट्राई कर रहे हैं अटैक स्ट्रेटजी को और मज़ेदार बनाने के लिए, तो इसलिए मार्केट में हम डूम लगा रहे हैं अभी। एंड आप लोग देख सकते हो अभी ये कंपार्टमेंट बाकी है, एंड ड्रैगन्स बस अभी तीन बाकी है। एंड गाइस आपको पता है कि ये विजार्ड टावर एंड ये चीज़ ये दोनों ही था, थोड़ा डर आ रहा था मुझे सच्ची में, ये थोड़ा डर दे रहा था मुझे, क्योंकि तीनों ड्रैगन का हेल्थ ना थोड़ा ठीक ठाक है, पर भी ज़्यादा भी इतना नहीं है, क्योंकि अगर एक माइन निकल गया तो ख़त्म हो जाएगा सारे के सारे ड्रैगन्स। पर हैज़ यू नो हमारी फनल अच्छी थी इसलिए गई, देखे हो भाई बोल के बाद ही माइन ही निकल गई डायरेक्ट भाई मैंने। और ये देख रहे हो यार, देख रहे हो ये होता है भाई कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि ट्रूप्स बहुत कम हेल्थ में होते हैं और थ्री कर लेते हैं, कभी कभी होता है कि भाई ट्रूप्स बहुत कम लेवल के पर होते ही नहीं है क्योंकि एक ही एट में ख़त्म। तो यार आपके साथ भी ऐसा अनोइंग थिंग होती है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि भाई कमेंट करेंगे तो आपका भाई का चैलेंज चलेगा। तो यार अभी चलते हैं हमारी दूसरी रिप्ले की ओर, और वो रिप्ले में हम लोग अलग टाइप कर रहे हैं। सो गाइज ये हमारा सेकेंड रिप्ले, एंड सेकेंड रिप्ले में आप लोग स्पेल के इसमें देखेंगे तो एक अर्थक्वेक कम है, एंड दैट बिकॉज क्योंकि हमें अर्थक्वेक की ज़रूरत नहीं थी, हमें यहाँ से दो हेड डिफेंस मिल रहे थे, कैसे भाई तीन लाइटनिंग यहाँ तीन लाइटनिंग यहाँ एंड बीच में अर्थक्वेक, तो भाई साहब हमें एक अर्थक्वेक का यूज़ ही नहीं था। और आप लोग देख पाएंगे कि ड्रैगन्स के लिए एक ही एक मुश्किल है, वो है हमारा इन्फिनो टावर, ये इन्फिनो टावर सिंगल है तो भाई साहब ड्रैगन्स ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए आपका भाई ने दो फ्रीज लिया है। एंड प्लानिंग तो भाई ऐसा ही था क्योंकि सारे के सारे एक्सपोज हेयर में नहीं थे, ग्राउंड में थे, इसलिए भाई सब आसानी से हो गई। एंड आप लोग देख पा रहे हो कैसे मैंने किया, तो भाई रिप्ले शांति से देख लो। हमेशा जैप जब भी करते हो ना तुम लोग ट्राई टू ट्राई करो वैल्यू कुछ भी मिल जाए, कुछ ज़्यादा ही वैल्यू मिल जाए, ऐसा नहीं कि हेडफोन्स के ऊपर ही सारे के सारे लाइटिंग डालने हैं, वैल्यू देखो यार, क्योंकि भाई अगर वैल्यू मिल जाती है ना यार बहुत ओपी हो जाता है अटैक। और अब भी आप लोग देख सकते हो मुझे किंग से वॉक करवाना था ऐसा, एंड वैसे ही किंग जाता है मे बी,
और बाद में दो एक ड्रैगन्स यहाँ फनल कर दिया क्योंकि हमें यहाँ से स्टोन स्लैमर को डालना है, ये पाथिंग स्टोन स्लैमर का है एंड ये हमारा ड्रैगन का कंपार्टमेंट है। तो भाई हमें ड्रैगन को भी बचाना है और स्टोन स्लैमर को बचाना है क्योंकि एक साथ डालेंगे ना स्टोन स्लैमर ज़्यादा वैल्यू नहीं कर पाएगा। अगर वो स्टोन स्लैमर अकेला जाता है ना भाई क्या ओपी मजा करते हैं ना भाई, क्या ही मार्केट में धूम बजा देते हैं। और आप लोग देख सकते हो ड्रैगन एंड पीछे लून, ट्राई टू ट्राई करो ड्रैगन को कभी भी पहले छोड़ने क्योंकि गाइस ये लून है ना यार ड्रैगन के पीछे बहुत गंदा मतलब बेस का ऐसा ले लेते ना आप लोग देख ही पाएंगे। सीसी निकल गई ईडी के ऊपर पॉइजन एंड आप लोग देख पा रहे हो अभी फ्रीज की सख्त ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे लून सभी इस पे टावर पे आ गए हैं तो ज़रूरत नहीं है। एंड अभी आप लोग देखना है फ्रीज का यूज़ कैसे होने वाला है। एंड अभी देख रहे हो तुम लोग फ्रीज का यूज़ क्यों किया क्योंकि हमारा ड्रैगन कोर का ख़त्म हो रहा था एंड स्टोन से हमें पीछे आ रहा था तो उसे बचा के रखना पड़ता है हमें। एंड आप लोग देख सकते हो लून प्लस हमारा कोकोलून प्लस हमारा स्टोन स्लैमर क्या ही मचा देता है। कोको लून नहीं भाई इसे क्या बोलते हैं लून सी बोलते हैं हम लोग, कोको लून बोलते कभी मैं तो कोको लून बोलता हूँ, आप लोग कुछ और भी बोल सकते हो भाई, मतलब एक स्केलेटन बैठता है उसके अंदर बस वो भी है हमने दो। तो आप लोग ये अटैक चार्ज देख सकते हो टेस्ला फार्म निकल गई है पर डरना कुछ नहीं है क्योंकि स्टोन स्लैमर अभी भी जिंदा है मींस मतलब वो लास्ट तक जिंदा था पर जो थोड़ा अच्छे से डिप्लॉय करता था ना वो थोड़ा फुल एंड तक रहता पर बीच में टूट गई है। एंड आप लोग अभी देख सकते हो एक ड्रैगन दो ड्रैगन एंड तीन ड्रैगन बाकी है एंड भाई क्लीन अप भी देख लेना यार, क्लीन अप भी देख लेना, सब कुछ देखना पड़ता है, क्लीन अप भी देखना पड़ता है आपको आसानी से। अगर आप लोग का अटैक फेल भी हो ट्राई टू ट्राई करो आप लोग को परसेंटेज मिलने है ना, अब भी आप लोग देख सकते हो आसानी से 3 हो गई है एंड 4x में देख लेते हैं एंड चलते हैं हमारी TH11 की अटैक चार्जी की और। सो गाइस ये बेस को आप लोग देख सकते हो ये हमारी TH11 की बेस है एंड मींस एनिमी का TH11 का बेस है एंड आप लोग देख सकते हो यार ये बेस कितना ही ऑसम है भाई, इसका मतलब डिज़ाइन मैंने आज तक देखा नहीं है, कोई भी बेस ऐसा वाला डिज़ाइन का मैंने देखा ही नहीं है। एंड आप लोग देख सकते हो सेंट्रलाइज सीसी भी है, सेंट्रलाइज टाउन हॉल भी है एंड दोनों स्वीपर भी सेंट्रलाइज्ड है एंड दोनों एक्सबो दो एक्सबो है वो भी सेंट्रलाइज्ड। एंड आप लोग देख सकते हो हमारा ये बाबू साहेब भी साइड में है कॉर्नर में है एंड दोनों भी सिंगल में है। एंड आपका भाई ने कैसे किया ये अटैक स्ट्रेटजी 3 कन्वर्ट कैसे किया 2 से 3 तो भाई साहब तुम लोग देख लो आज के इस, ये भी लास्ट है हमारी लास्ट रिप्ले है ये तो देख लेना। तो यार रिप्ले की ओर जाते भाई। सो ये आर्मी आप लोग देख पा रहे हो 8 लून्स TH11 का बता रहा हूँ एंड आप लोग ने आई थिंक सब कुछ देख लिया रहेगा, मैंने बोला नहीं था पर TH11 का बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बंदे TH11 के भी है। तो 8 लून्स 8 ड्रैगन्स 1 ईडी ईडी कंपलसरी है भाई क्योंकि यार ईडी ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही हेल्प करता है आपके ड्रैगन्स को अंदर जाने के लिए। तो आप लोग अगर भी ईडी को भूल जाते हो ना भाई अटैक समझ लो कि ड्रैगन्स भटकने वाले हैं। एंड आप लोगों को एक और थिंग बता दूं ये भी ले लो लावा हॉन्ड क्योंकि लावा हॉन्ड आपके ड्रैगन्स को थोड़े मतलब थोड़े से देरों के लिए बचा सकता है, थोड़े से सेकंड्स के लिए बचा सकता है एंड दैट बिकॉज वो ट्रैप्स को सब भाई मतलब निकाल के उसके छाती में ले लेगा बंदा। और आपको भाई मेरे पास किंग नहीं था वो भी एक अनॉइंग थिंग था, किंग रहता तो मैं क्या करता ये कंपार्टमेंट लेने की कोशिश पर किंग नहीं है तो क्वीन अकेला तो नहीं कर पाएगी तो हमने प्लान चेंज कर दिया। एंड स्टोन स्लैमर के अंदर आप कुछ भी ले सकते हो और ग्राउंड के जगह हेयर ले रहे हो तो अच्छा बात है एंड ग्राउंड से भी अच्छा हेयर ही ले लो। एंड अब अगर आपके पास स्टोन स्लैमर नहीं है तो आपके पास से आप लोग ले लो लून्स एंड सीसी में ले लो हॉन्ड ओके मतलब ऐसा उल्टा पुल्टा कर सकते हो पर जिसके पास स्टोन स्लैमर है ना बंदा स्टोन स्लैमर ही यूज करो। एंड क्वीन और 4 लाइटनिंग 2 अर्थक्वेक 1 हील रेज एंड एक और रेज सीसी में भाई साहब और ये अटैक स्ट्रेटजी मचा देती है 3 स्टार कौन से भी बेस को वो भी मैक्स हो कुछ भी हो सेमी मैक्स हो कुछ भी हो भाई साहब 3। तो यार शुरू कर रिप्ले को भाई साहब। तो मैंने जैसे पहले बोला था कि यार थोड़ा वैल्यू लाने और वैसे ही हमने वैल्यू भी ला ली है एंड इसमें हमारी हेयर डिफेंस फूट गई और इसमें ग्रैंड वार्डन का वो टावर भी फूट गया तो बड़ी बात है एंड ऑल्टर भी फूट गई थी हमारी क्वीन की एनिमी क्वीन की। एंड ईडी से आप लोग देखो क्या फनल करता हो, ईडी का मेरा प्लान था कि ईडी को ऐसा लेके जाए एंड ईडी वैसे ही जाता है क्योंकि लून्स से हमने उसे प्रोटेक्ट किया था। बाय द वे उससे एक और थिंग किया था कि लून्स ने ये तोड़ दिया अब तो ईडी यहाँ आएगा ही नहीं। तो आप लोग देख सकते हो ईडी उधर काम कर रहा है एंड फनल करो यार, फनल इंपॉर्टेंट है यार, फनल नहीं किएंगे ना भाई खत्म हो जाता है बेस, आप लोग खत्म हो जाते हो बेस खत्म नहीं होएगा वो बता रहा हूँ।
इसलिए भाई ट्राई टू ट्राई करो, क्योंकि आप लोग कैसे खत्म होंगे, आपके लीडर को भाई लीडर देखेगा तो आपका मारने वाला है। तो भाई साहब इसलिए बता रहा हूँ, पहले फनल करके घुसाओ अंदर। एंड सीसी के अंदर से निकला ईडी एंड हमारा लावा हॉन्ड क्या ही ओपी मचा दिया बेस को फोड़ने में। कैसे भाई लावा हॉन्ड यहाँ से ट्रैप को, आप लोग ने गैर से देखा रहेगा तो ट्रैप को आप खुद के छाती में ले लिया था। एंड वार्डन की एबिलिटी आपको तब यूज़ करना है आपके सारे तरह ड्रैगन एक साथ हो एंड ज़्यादा डैमेज भी ले रहे हो। एंड जब स्टोन से में पूछते हैं आपके पास एक रेंज है ना, तब यूज़ करो यार लून्स के ऊपर, क्योंकि लून्स रेंज के अंदर आ गए हैं ना भाई, बेस का ऐसा एल लगा देते हैं ना भाई, बोलो ही मत, कतई ओपी कर लेते हैं। एंड 16 मिनट का वीडियो हो गया, अभी इसे एडिट करना पड़ेगा, बहुत एडिट करना पड़ेगा एंड ट्राई टू ट्राई करने वाले छोटी सी कोड लेने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो हमारा ड्रैगन बाकी है, हमारा 3 ड्रैगन्स बाकी है एंड हमारे कितने सारे लून्स बाकी हैं, 1 2 3 4 लून्स बाकी आई थिंक, 4 से 5 लून्स बाकी है, या नहीं नहीं भाई अभी 2 लून्स, परफेक्ट था, करेक्ट था। एंड आप लोग देख सकते हो अभी एक प्रॉब्लम है, वो है हमारा ईगल आर्टिलरी, पर डरो मत यार, आपका भाई ने अटैक ये ऐसा परफॉर्म किया है एंड आप लोग भी ऐसे ही परफॉर्म करना, क्योंकि भाई कुछ भी बोलो ना 3 हो जाती है, कुछ भी बोलो 3 हो जाती है भाई, लिख के रख दो। एंड अभी देख सकते हो ग्रैंड वार्डन का एक ऐसा काम ना जो मैंने सोचा नहीं था कि अटैक स्ट्रेटजी को इतना भी डिले कर सकता है, ये बुड्ढा इसे मार सकता था पर नहीं मारा, क्योंकि मुझे लगा था कि इधर कुछ माइंड निकल गया ना हमारे ड्रैगन्स खत्म, पर अटैक ही ऐसा पावरफुल है ना, आपके कितने सारे ड्रैगन्स लास्ट में बच जाते इसलिए। तो भाई साहब आप लोग देख सकते हो ये कैसे अटैक गया एंड एक ही हिट में ग्रैंड वार्डन का खत्म, ये बेस खत्म हो गई है 3 स्टार, लिख के रखो। तो यार आज की इस वीडियो आपको कैसी लगी, तो यार अच्छी लगी तो कमेंट करना एंड बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस आ रहे हैं, डरो मत भाई आ जाएगा, बेस के ऊपर भी वीडियो आएगी, तो यार स्नीक पीक नहीं देखे तो जाके देखो एंड अपडेट में 7 क्रेजी थिंग जो आने वाले वो भी देख लेना, क्योंकि वो हमारे हर डिस्क्रिप्शन के उसमें लिंक है उसका, जाके देखो भाई जाके देखो, क्योंकि भाई मचा देंगे यार, वो अपडेट आएगा ना भाई मचा ही देंगे। आज के लिए इतना, मैं अंग्रेज में आऊँगा, टिल देन बाय।